मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम कक्षा 12 सब्जेक्ट अकाउंट लेसन नंबर 1 साझेदारी विषय प्रवेश, इसमें शॉर्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 है, उसके पहले का जो 4 क्वेश्चन है मैंने अपने YouTube में सॉल्व करके दिखाया है, वो देख लेना। आज हम क्वेश्चन नंबर 5 जो एग्जाम में 3 नंबर का पूछा जाता है, मेहता को पांडे से 4 गुना। तो यहां पे लिखा है कि मेहता को पांडे से 4 गुना। इसके बाद वाजपेयी को मेहता के हिस्से का आधा, तो मेहता के हिस्से का आधा। यहां पे लिखा है मेहता को पांडे से 4 गुना, तो मतलब कि हमें पहले पांडे का मानना पड़ेगा। तो माना कि पांडे का हिस्सा 1, उस पर से हमें मिलेगा मेहता का हिस्सा। तो लिखा है कि मेहता को पांडे से 4 गुना, तो यहां पे हमने पांडे का हिस्सा 1 माना है, उस पर से हम मेहता का हिस्सा ज्ञात करें। क्योंकि मेहता का हिस्सा पांडे से 4 गुना, तो पांडे का हिस्सा 1 है, तो उसका 4 गुना तो गुना करेंगे तो मेहता का हिस्सा आएगा 4। इसके बाद लिखा है वाजपेयी को मेहता के हिस्से का आधा, तो मेहता का हिस्सा 4 मिला, उस पर से हम वाजपेयी के हिस्सा ज्ञात करेंगे। तो चूंकि वाजपेयी का हिस्सा लिखा है कि मेहता के हिस्से का आधा भाग, तो मेहता का हिस्सा 4, तो उसका आधा करेंगे तो मिलेगा 2। तो लाभ हानि वितरण का प्रमाण। मेहता अनुपात मेहते पांडे, पांडे अनुपात मेहता अनुपात वाजपेयी, पांडे का हिस्सा 1 है, मेहता का हिस्सा 4 है और वाजपेयी का हिस्सा 2। ये हमें लाभारी वितरण का अनुपात प्राप्त हो गया। अब लिखा है कि वर्ष के अंत में पीढ़ी का लाभ 87,500 हो तो प्रत्येक साझेदार को कितना लाभ प्राप्त होगा। तो यहाँ पे हमें लाभारी वितरण का अनुपात प्राप्त हो गया और लाभ भी दे दिया है क्वेश्चन में 87,500, उस पर से ये लाभारी वितरण के अनुपात में हम उसको बांट देंगे। तो लाभारी वितरण पांडे, लाभ दिया है 87,500 गुणा पांडे का हिस्सा है 1 और यहाँ पे तीनों तीन अनुपात को टोटल करना पड़ेगा, उसको बट्टा में लेना है। तो 4 × 5 × 5 = 2 = 7, तो 1/7 कितना है आंसर? 12,500। उसको डिनाइड करेंगे। इसके बाद मेहता का हिस्सा 87,500 गुणा उसका हिस्सा है 4 × 7 कितना आएगा? 50। इसके बाद ज्ञात करेंगे वाजपेयी, 87,500 गुणा 2/7 तो आंसर आएगा 25,000।
तो ये बोर्ड की परीक्षा में 3 नंबर का क्वेश्चन आता है बराबर अगली वीडियो में और दो तीन क्वेश्चन हम बताएंगे आगे की वीडियो में स्क्रीनशॉट स्क्रीनशॉट ले लीजिए ऐसा हो जाएगा स्क्रीनशॉट ले लो ऐसा हो जाएगा स्क्रीनशॉट भी लेना चाहते हो तो ले लो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट आज हम साझेदारी विषय प्रवेश में शॉर्ट क्वेश्चन देखेंगे शिला सुरभि और संकेत की साझेदारी पेढ़ी का रुपया 1,35,000 का लाभ 3:2:3 3:2:3 के प्रमाण में बांटने के बदले भूल से 2:1:3 के प्रमाण में बांट दिया तो यह भूल सुधारने के लिए पूंजी खाते क्या असर देनी पड़ेगी तो यहाँ पे सबसे पहले जो सही प्रमाण है तो सही प्रमाण में लाभ कितना आएगा वो हमें ज्ञात करना पड़ेगा और गलत प्रमाण में लाभ कितना है वो हमें ज्ञात करना पड़ेगा तो सही प्रमाण जो है उसमें से जो गलत प्रमाण है वो घटा देंगे उसके बाद हम उसकी पूंजी खाते असर देंगे सबसे पहले कॉस्टर बनाएंगे विवरण इसके बाद शिला सुरभि संकेत एक लाख 35,000 का जो लाभ है उसको पहले सही अनुपात में उसको बांट तो लाभ का सही अनुपात सही अनुपात है 3:2:3 3:2:3 तो 1,35,000 को 3:2:3 में पहले बांटना पड़ेगा तो 3:2:3 में बांटने पर शिला का आएगा 50,625 सुरभि का 33,750 और संकेत का आएगा 50,625 1,35,000 को 3:2:3 में बांट दिया अब जो गलत अनुपात में बांट दिया उसको हम घटा देंगे तो गलत अनुपात है 2:1:3 तो 1,35,000 को 2:1:3 में बांटेंगे तो पहले आएगा शिला कितना आएगा 45 इसके बाद सूर्य 22,500 संकेत 67,500 माइनस 67,500 जो लाभ का सही अनुपात है उसमें से जो गलत अनुपात है उसको घटा दें पचास छह सौ पच्चीस शिला का प्लस में आया सुरभि का प्लस में आया और संकेत का आया माइनस में बराबर अब जो प्लस में यहाँ पे
लिखा है कि उसकी भूल सुधार असर देना, तो भूल सुधार असर देने के लिए जो माइनस आया है संकेत का उसके पूंजी खाते उधार करेंगे, और शीला और शुभ दोनों के पूंजी खाते जमा करेंगे तो उसके भूल सुधार लिखेंगे। संकेत के पूंजी अथवा चालू खाते उधार, सोलह हजार आठ सौ पचहत्तर। शीला के पूंजी खाते का छप्पन पच्चीस। सुरभि के पूंजी खाते का ग्यारह हजार दो सौ पचास। आगे का क्वेश्चन अगले वीडियो में और उसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, साझेदारी विषय प्रवेश के सात पैसा के सातवां क्वेश्चन देखेंगे। राम रहीम और ईशु एक साझेदारी पेटी के साझेदार है। तारीख एक चार सोलह को उनकी पूरी क्रमशः साठ हजार चालीस हजार और पचास हजार। वर्ष के अंत में लाभ का वितरण करने के बाद मालूम पड़ा कि छह प्रतिशत के दर से ब्याज गिरना रहे हैं तो भूल सुधार लिखो। तो भूल सुधार लिखने में सबसे पहले तीनों दिन साझेदार की जो पूंजी है तो तीनों दिन साझेदार की पूंजी पर छह प्रतिशत के दर से ब्याज निकालना पड़ेगा। बनाएंगे विवरण राम रहीम कुल। सबसे पहले तीनों दिन की पूंजी पर ब्याज यहां पर लिखेंगे, पूंजी पर ब्याज छह प्रतिशत। तो यहाँ पे राम की पूंजी है साठ हजार, साठ हजार का छह प्रतिशत होगा छत्तीस। इसके बाद तो पूंजी पर ब्याज राम की साठ हजार का छह प्रतिशत छत्तीस सौ, रहीम की पूंजी चालीस हजार है, चालीस हजार का छह प्रतिशत चौबीस सौ, और यीशु की पूंजी पचास हजार है, पचास हजार का छह प्रतिशत तीन हजार। तीनों दिन जो ब्याज आया छत्तीस सौ चौबीस सौ और तीन हजार, तो तीनों दिन ब्याज का टोटल करेंगे तो टोटल आएगा नौ हजार। यहां पे लिखा है कि पूंजी पर ब्याज कितना रहेगा, जब पूंजी पर ब्याज साझेदारों को दिया जाएगा तो लाभ में कमी होगी। यहाँ पे लाभानुवितरण का अनुपात दिया नहीं है तो तीनों तीन साझेदार समान अनुपात में पूंजी पर ब्याज बांटा जाए तो माइनस लाभ में कमी। पूंजी पर ब्याज दिया जाएगा तो लाभ में कमी होगी, लाभानुवितरण का अनुपात दिया नहीं है तो तीनों तीन साझेदार को समान अनुपात में पूंजी पर ब्याज दिया जाए, टोटल पूंजी पर ब्याज जो है नौ हजार, तो नौ हजार को समान अनुपात में बांटेंगे एक अनुपात एक, तो तीनों तीन साझेदारों के बीच नौ हजार को समान अनुपात में बांटने पर तीन तीन हजार रुपया ब्याज आएगा। छत्तीस सौ में से तीन हजार घटाएंगे तो प्लस छह सौ होगा,
2400 में से 3000 घटाएंगे तो माइनस 600 और 3000 में से 3000 घटाएंगे तो जीरो। अब जो माइनस आया है उसके पूंजी खाते उधार करेंगे और जो प्लस आया है उसके पूंजी खाते जमा। तरणी के पूंजी खाते उधार 600, राम के पूंजी खाते का